हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और जिस रेस का काफ़ी टाइम से आप लोग इंतजार था, वो रेस फाइनली हम लोग लेके आए हैं, डोमिनार 400 वर्सेस एनएस 400Z। तो भाई दोनों बजाज के प्रोडक्ट्स हैं, एक थोड़ा पुराना प्रोडक्ट है, बट ये बाइक बिल्कुल नहीं है BS7 कॉम्प्लेंस के साथ में जो आती है E20 मॉडल, वो है आपका। और कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्लेंस की वजह से गिरी भी है पुरानी डोमिनार से, बट मार्केट में अब यही अवेलेबल है तो इसी से करेंगे हम लोग, पुरानी बाइक से करने कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आपकी लेटेस्ट NS400Z। तो भाई दोनों ही बाइक्स में सेम 373cc यानी 400 के इंजन लगा हुआ है। दोनों ही बाइक्स में DOHC इंजन है, 6-speed गियर ट्रांसमिशन है और आपका लिक्विड कूल इंजन है, 40 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क। मतलब आइडेंटिकल इंजन्स लगे हुए हैं दोनों बाइक्स में, थोड़ा सा आपका RPM का डिफरेंस है और इस पॉकेट का भी डिफरेंस है। NS में आपका पीछे आपका जो है 46 teeth का इस पॉकेट लगा है, डोमिनार में थोड़ा छोटा लगा है 45 teeth का। इसके अलावा NS जो है वो लाइट वेट भी है, डोमिनार थोड़ी सी ज़्यादा भारी है, 15-20 kg का डिफरेंस है दोनों के वेट में। इसके अलावा भाई डोमिनार में आपकी सिंपल बाइक आती है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं है। NS में आपके भाई भरे हुए राइड बाय वायर है, आपका राइडिंग मोड्स दे रखा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखा है, म्यूज़िक कंट्रोल दे रखा है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर भरे हुए हैं उसमें। तो कर लेते हैं दोनों को भाई प्राइस में, ऑलमोस्ट प्राइस में 60-70-80 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पे 2020-2022 के आसपास NS आती है आपकी, वहीं डोमिनार आपकी 3 लाख के आसपास जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। कर लेते हैं जल्दी से, और सबसे पहले मैं चलाऊँगा NS, भाई चलाएगा डोमिनार। तो भाई NS ने डोमिनार को बीट कर दिया है, इनिशियल में बीट कर दिया NS डोमिनार को। तीन भाई डोमिनार भी NS तगड़ी चक्कर चल रही है, बस NS निकल गई। चार भाई बीट करना ही था, हल्की बाइक है, इस पॉकेट बड़ा है तो इनिशियल इसका बड़ा होना ही होना है। टॉप इन देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है, ऑलरेडी 6 gear पे मैं आ चुका हूँ। मुझे नहीं लगता डोमिनार आसपास भी कहीं जाएगी, क्योंकि इसका मीटर में डिफरेंस नहीं है भाई। 74 75 73 काफ़ी एक्यूरेट मीटर है इसका NS का, डोमिनार के मीटर में गैप काफ़ी ही रहता है, बजाज ने काफ़ी काम किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे आपने देखा कि इनिशियल से लेकर टॉप एंड तक NS ने डोमिनार को बीट किया हुआ है, और भाई फर्स्ट रेस की विनर आपकी रही है NS, इनिशियल में भी टॉप एंड में भी। आप करते हैं राइडर चेंज, अब मैं 171-172 पे ही गया अभी। इसमें मीटर एरर बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है।
जाएगी टक्कर। एनएस आगे निकल गई। एनएस निकल चुकी भाई, एनएस 400। बराबर बराबर में चल रहे हैं, बट एनएस आगे निकलना स्टार्ट हो गई है। अब 50 गियर में आगे निकलना स्टार्ट हो गई है। एनएस आगे निकल गई। टक्कर तो काटे की है भाई, पहली रेस में आपकी एनएस विनर गई है। इवन डोमिनार ने स्लिप ट्रेनिंग भी की थी। और अब देखते हैं कि बीट कर पाते कि नहीं। 6 गियर में आ गई है एनएस 400। 165 62। आपकी एनएस विनर रही है भाई, फुल थ्रॉटल पे थे। लिमिटर दोनों बाइक्स में नहीं आया, बट जवाब दे गई थी अपनी लिमिट पे। भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। वही 173.4 के आसपास लिमिटर लगा था ना? ना लगा था, इसमें भी नहीं लग रहा लिमिटर भाई। भाई इनिशियल में एनएस फास्ट है यार, एनएस हर चीज में फास्ट है यार भाई। आपने देखा ट्रैक रेस इनिशियल, हाँ इनिशियल और टॉप स्पीड दोनों में ही एनएस ने डोमिनार को बीट कर दिया है। और जरूरत वाली बात यह है कि भाई देखो, हो सकता है BS4 डोमिनार बहुत फास्ट रही हो, वो हो सकता है जीत जाती हो, बट इस समय जो डोमिनार मार्केट में अवेलेबल है, जो आपकी BS7 कॉम्प्लायंस के साथ आती है 820 मॉडल, उसको एनएस बीट कर रही है मार्केट में। और इनिशियल में भी बीट कर रही है और टॉप एंड में भी बीट कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई वेट कम है, पावर सेम है, कैसे नहीं बीट करेगी। इसी के साथ ये ड्रैग रेस इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा है एक्सप्लोरर, वहाँ मेरे साथ कर सकते हो। इसी के साथ राइड आर राइड सेफ, दिस इज राम सुल्टर साइनिंग ऑफ, कीपिंग ऑसम गाइस।